शीर्ष नेतृत्व जहां एक तरफ नितिन गडकरी, वरुण गांधी जैसे तमाम बड़े नेताओं का डिमोशन कर रहा है, तो वहीं भूपेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। भूपेंद्र सिंह चौधरी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। बुधवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से उनके नाम की चर्चा और तेज हो गई। भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी के जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं। माना जा रहा है साल 2024 के लोकसभा चुनाव के तहत भारतीय जनता पार्टी सूबे में क्षेत्रीय और जातीय दोनों ही संतुलन बनाने के लिए ये बड़ा दांव खेलने पर विचार कर रही थी और आखिरकार ये बड़ा दांव भारतीय जनता पार्टी ने खेल दिया है पश्चिमी यूपी और जाटों को साधने के लिए। मिशन 2024 के तहत भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, जयंत चौधरी का साथ जब अखिलेश यादव को यूपी विधानसभा चुनाव में मिला तो पश्चिमी यूपी में भाजपा का खेल ज़रा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा था और यहाँ पर अब पश्चिमी यूपी में सपा का खेल बिगाड़ने के लिए, अपने आप को मजबूत स्थिति में लाने के लिए ये बड़ा फैसला है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान भूपेंद्र सिंह चौधरी को दे दी गई है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।